ઝાંસીના જાલોનના 10 વર્ષના જોડિયા બાળકો ઋષભ અને રાઘવ મહેશ્વરીએ જર્મનીમાં જુનિયર મેન્ટલ કેલ્ક્યુલેટર વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો છે. જી હા, આ તેમની 6 વર્ષની મહેનતનું પરિણામ છે કે તેમને હ્યુમન કેલ્ક્યુલેટરનું બિરુદ મળ્યું. ઓરાઈનગરના મોહલ્લા પાઠકપુરાના રહેવાસી નવનીત અને પૂજા મહેશ્વરીને 2 પુત્ર અને 1 પુત્રી છે અને દર વખતની જેમ આ વખતે પણ તેઓએ જર્મનીમાં યોજાયેલી મેન્ટલ કેલ્ક્યુલેટર વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લઈ પોતાનું કૌશલ્ય બતાવ્યું. વર્ષમાં 1 વખત યોજાતી આ ચેમ્પિયનશિપ સ્પર્ધામાં ઋષભ અને રાઘવ મહેશ્વરીએ સિલ્વર મેડલ જીત્યું. 6 વર્ષની મહેનત અને 1.5 વર્ષની રાહ બાદ આ તેમની મોટી જીત છે. માતા પિતા પણ બાળકોની પ્રગતિ પર ઘણા ખુશ છે. और यहाँ पर उरई में वो खुला था, एक हम लोग की मैम है, उनका नाम है श्रुति मैम. उनने हम लोग को स्टार्टिंग करवाई थी, फिर एक कोटा में गए, सारी टेंस अबेकस की टीम ने हम लोग को सिखाया. और ये जो कॉम्पिटिशन है वो जर्मनी में हेल्ड होता है, जर्मनी में सिटी बेलफील्ड. हम लोग को इस कॉम्पिटिशन में 2nd रैंक मिली है. यहाँ इस कॉम्पिटिशन में ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में से थोड़े थोड़े लोगों ने को पार्ट लिया था और दुनिया के बेस्ट 90 ह्यूमन कैलकुलेटर को इस कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट होने का मौका मिला है. ये मतलब कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी में, कितने साल लग गए जब यहाँ तक पहुँचे? हम लोगों ने इसको 2018 में चालू किया था, एक मैम से, श्रुति मैम से. 6 साल हो गए हम लोग को करते हुए, तब यहाँ पर आए हैं. मैम ने हम लोग को पहले स्टार्टिंग में अबेकस का बताया, फिर कोटा की टीम से मिलवाया, तब हम लोग की इस कॉम्पिटिशन का स्टार्टिंग हुआ था. ऋषभ ने राघव पहला आज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडोनेशिया में गोल्ड मेडल सहित घना एवॉर्ड्स जीती चुक्या है. ऋषभ और राघव नु कहवु छे के हवे तेओ वधु मेहनत करशे अने समग्र विश्व में तिरंगा नु सम्मान ऊंचू राखशे.